अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टीआरएस से हैदराबाद एमपी के उम्मीदवार पुष्टेज श्रीकांत ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इसी बात पर हमारे नुमाइंदे प्रकाश मिश्रा ने पुष्टेज श्रीकांत से बात की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं पुष्टेज श्रीकांत हैदराबाद से, टीआरएस की तरफ से मैं हैदराबाद का उम्मीदवार हूँ। हमारे जेसीआर साहब और केटीआर साहब जिस तरह का मेरे ऊपर भरोसा रख के मैं यहाँ का टिकट दिए, मैं उनका जो भरोसा है वो बरकरार रखना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ जो भी केसीआर साहब जो भी अभी तक स्कीम्स किए हुए उसके तरफ से यहाँ के ओल्ड सिटी की आवाम बहुत संतुष्ट है, लिहाजा वो स्कीमों के जरिए हम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में आते बोल के मेरे को उम्मीद है। साथ ही साथ हम यहाँ के जितने भी पार्टियाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ अभी तक कोई डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिए ओल्ड सिटी में, हम वो डेवलपमेंट में ध्यान देना चाह रहे। साथ ही साथ यहाँ की पब्लिक का अवेयरनेस यानी एजुकेशन यहाँ के पब्लिक को जो है ना एजुकेशन बराबर नहीं है, वो एजुकेशन से हर चीज़ का जो है ना मालूम होता है, वो मालूम नहीं रहने पड़े। जो आज एजुकेशन अपने को एक यहाँ के आवाम को अगर एजुकेशन सही दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लोग हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, वोट का सही उपयोग करेंगे और साथ ही साथ यहाँ की ओल्ड सिटी को जो है ना न्यू सिटी की तरह वही नाम आने की कोशिश करने के अवसर जितना करना है कर रही है। और मेरे तरफ से आज नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मैं खास करके केसीआर साहब और केटीआर साहब से मैं उनको एक ही दिलासा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जीत के बताऊँ। शुक्रिया। कोई भी रहे उनको कौन सी पार्टी को वोट डालना है बिल्कुल डाल सकते हैं, मगर पहले आप घर से निकलिए, वोट का सही उपयोग कीजिए। यानी कौन सी पार्टी का वोट आप देंगे तो आप कोई भी उम्मीदवार जो भी है उसको किसको भी आप उम्मीदवार को जो है ना सफल करना चाह रहे या सक्सेस करना चाह रहे तो उन्हें बिल्कुल वो वोट के जरिए उन्हें जीतेंगे। और आपके जो भी यानी डेवलपमेंट की बात है या जो भी बेसिक नीड्स है या ओल्ड सिटी में वो फुलफिल करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सर आते हैं, मैं एक ही बात अभी पहले भी बोला कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह घर के वास्ते अपने को बेस जो ज़रूरी है यानी बेसमेंट जो बोलते हैं वो बुनियादी एजुकेशन है, तो अगर एजुकेशन रहे तो हर चीज़ को जो है ना दरवाजे खुल जाएंगे, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद आ जाएगा। या यहाँ केसीआर साहब तो हर कौम को, कोई एक कौम बोल के नहीं, हर एक कौम को उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक को जो है ना एक एक डेवलपमेंट के वास्ते उन्हें हर तरीके से सोच रहे, लिहाजा हम भी उनके साथ रहेंगे। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं, नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666178623। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।